ये छोटी बच्ची बीच पर खेल रही होती है, तभी कोई उसकी डॉल को अचानक से रेत के अंदर खींच लेता है। लड़की देखती है कि रेत के अंदर से कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है और उस चीज ने रेत के अंदर से उसके पाँव को पकड़ लिया है। वो चीज लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, पर वो उसके जूते को ले जाता है। इसके बाद वो चीज अपनी दिशा को बदलते हुए एक लड़के की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वो लड़का आसानी से उसके रास्ते से हट जाता है। ये देखने के बाद वो मॉन्स्टर सामने रखे बैग को निगल लेता है और कुछ समय बाद बाहर थूक देता है। बच्चे देखते हैं कि वो मॉन्स्टर चार्जिंग केबल से उलझा हुआ है, इसलिए वो केबल को खींचते हैं और मॉन्स्टर को बाहर निकाल देते हैं। पता चलता है कि अजीब बंदर सा दिखने वाला मॉन्स्टर खतरनाक नहीं है। मॉन्स्टर जैसे ही भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लड़का उसे केबल से वापस खींच लेता है। ये देखकर मॉन्स्टर कहता है कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। इस पर लड़का कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं संसार का सबसे बेहतरीन रॉक क्लाइंबर बनूं। ये सुनने के बाद मॉन्स्टर एक गहरी सांस लेता है और अपने शरीर को फुलाकर पिचका देता है। ये देखकर बच्चों को लगता है कि मॉन्स्टर झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो लड़का चट्टान पर स्पाइडरमैन की तरह चढ़ रहा है। इच्छा पूरी करने के बाद मॉन्स्टर भी वहां से निकल लेता है। अब शाम होने लगी है और लड़का अभी भी चट्टान पर ही घूम रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मॉन्स्टर का जादू सिर्फ एक दिन तक ही काम करता है।